नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती, क्या करें। बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, जिनके बिजनेस हैं या स्टोर हैं या अपनी दुकान है, उसको लेकर काफी ज्यादा प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि आपके लिए वो उपाय लेकर आए जिनको करने से ज्यादा आपको फल मिले, आपकी दुकानदारी चलने लगे। ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहक आना बंद नहीं होंगे। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी दुकान कभी भी ठप नहीं पड़ेगी और आपको दुकान में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त मिलकर विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि दुकान में रख लो और ग्राहक चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। जो दिव्य औषधि आपको टीजर में दिख रही है उसका नाम है दुर्वा। यह एक प्रकार का जो है घास होता है और इसे विशेष रूप से पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें दुर्वा का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गणेश भगवान को दुर्वा बेहद प्रिय होता है और जो बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार अड़चनें आती हैं, अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा जरूर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से जो विघ्न हरण मंगल के देवता है गणपति जी महाराज, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दुर्वा का ही आज उपाय है, जो आप अगर अपनी दुकान में करते हैं तो आपकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहेगी। प्यारे बंधुजनों, उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार ज्योतिष मिराकल चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा, नमोस्तुते। जय माता की। तो प्यारे बंधुजनों, यह उपाय आपने करना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन किसी साफ सुथरी जगह से थोड़ा दुर्वा लेकर आना है। उस दुर्वे को आपने चार हिस्सों में थोड़ा थोड़ा कर लेना है और उनके ऊपर कलावा लपेटना है।
चार हिस्से अलग अलग करके चारों पर अलग अलग कलावा बांध देना है। अब आपके पास दुर्वा के चार सेट हो गए हैं। आपने इन चार के चार सेटों को अपनी दुकान के मंदिर में रखना है और इनके ऊपर गंगा जल का छींटा लगाना है। अब आपने सिंदूर से इन चार के चार दुर्वा के जो सेट आपके पास हैं, सिंदूर का तिलक लगाना है। चारों के ऊपर थोड़े थोड़े चावल छोड़ने हैं। अब आपने रुद्राक्ष की माला के साथ ओम गम गणपते नमहा, एक माला ओम गम गणपते नमहा का जाप करना है। उसके बाद चारों के चारों दुर्वा के सेट उठाकर जो आपके दुकान के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा रखी है उनके चरणों से स्पर्श करवाना है। अब आपने इसमें से जो दो दुर्वा के सेट हैं वो अपनी दुकान के गुल्लक में रख देने हैं और जो बचे हुए दो दुर्वा के सेट हैं उन्हें अपनी दुकान में ही जो गणपति जी की मूर्ति है मंदिर में उसके पीछे छुपा देना है। दो गल्ले में रख देने हैं, दो मूर्ति के पीछे छुपा देने हैं। बुधवार के दिन सुबह के टाइम यह कार्य आपने कर देना है और अकला बुधवार आने से पहले पहले आपको पता चल जाएगा और चुंबक की तरह आपकी दुकान में ग्राहक का खींचना शुरू हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध उपाय है, सच्चे मन से करोगे बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।